दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र खो गया है या फिर आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र फट गया है तो आप उसे कैसे डाउनलोड करेंगे। इसे डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप मात्र 5 सेकंड के अंदर इसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इधर साइड में मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो माइक के बराबर में आपको एक कैमरे का आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको कैमरे के आइकन पर क्लिक करना है। कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक बार कोड ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र फट गया है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बार कोड दिखाई देता है। ये बार कोड नहीं फटना चाहिए, अगर आपके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में ये बार कोड है या आपके मोबाइल फ़ोन में जन्म प्रमाण पत्र का फोटो है और उसमें बार कोड है तो आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बड़ी आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस मोबाइल फ़ोन से इस बारकोड को एक बार स्कैन करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्कैन किया और यहाँ पर ये ब्लू कलर में वेबसाइट हाईलाइट हो गई, आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों मात्र 2 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा जन्म प्रमाण पत्र आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। आप चाहो तो नीचे से प्रिंट भी कर सकते हैं और आप चाहो तो इसे अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे मात्र 5 सेकंड के अंदर अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो तो चलते हैं फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।